हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आजकल हम क्लास 11th का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं और आज हम सेकंड चैप्टर के कुछ आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे हैं एनसीईआरटी के। तो पहला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2.1, इसका यह रिक्त स्थान भरिए। तो पहला पार्ट है इसका, किसी एक सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर स्क्वायर के बराबर है, अर्थात हमें आंसर लिखते हैं। हमें क्या दिया है? घन की भुजा दे दी, लिखते हैं घन की भुजा बराबर दे दी 1 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? चूंकि लिखते हैं घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, यानी कि इसे लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर का जब क्यूब करेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। अब हमें किसमें निकालना है? मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो यह आयतन हमें दे दिया, तो आयतन मीटर में निकालने के लिए हम 1 को तो 1 रहने देंगे, और हम जानते हैं सेंटीमीटर और मीटर में क्या संबंध होता है। हम जानते हैं चूंकि 1 सेंटीमीटर, या आप लिखिए 1 मीटर, बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ये हम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, 1 मीटर बराबर तो 100 सेंटीमीटर, तो हमें 1 सेंटीमीटर का मान निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर इधर 1 रख लीजिए और 100 को इसके नीचे ले जाइए, तो ये हो गया 1/100 मीटर के बराबर होगा। बस यही मान आपने यहां पर रखना है, या इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10^-2 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अब ये और आसान हो गया, 1 की जगह 1 लिख लिया, और 1 सेंटीमीटर की जगह क्या लिख लेंगे? 10^-2, और साथ में हमने क्या लिख लिया? मीटर। लेकिन ये क्या था? सेंटीमीटर का क्यूब था, और ये तो 1 सेंटीमीटर का मान आया ना, तो क्यूब के लिए क्यूब लिख लेंगे। तो वॉल्यूम बराबर हमारा हो जाएगा 1×10^-2 की 3 में गुणा होंगे तो -6, यानी कि लिख लेंगे और साथ में लिख लेंगे मीटर क्यूब, यानी कि यह हमारा हो गया 10^6 मीटर क्यूब। तो हमारा आंसर आ गया 10^-6, 10^-6 मीटर क्यूब। तो यहां क्या लिख लेंगे? 10^-6 मीटर क्यूब के बराबर होगा। अब देखें दूसरा प्रश्न, किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल मिलीमीटर स्क्वायर में हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, जो सिलेंडर होता है वह एक प्रकार से बेलन की आकृति होती है, और हम जानते हैं यह बी क्वेश्चन है, क्योंकि बेलन क्या निकालना है? पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, यह बराबर होता है 2πr, और ब्रैकेट में होता है h+r के बराबर होता है। हमें क्या क्या दे दिया है? हमें दिया है त्रिज्या दे दी, एक आर का मान हमारे को कितना दे दिया? 2 सेंटीमीटर दे दिया, 2 सेंटीमीटर। और यहां पर हमें दे दी ऊंचाई, ऊंचाई दे दी 10 सेंटीमीटर, यानी कि एच बराबर हमें कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। ये दोनों मान इसमें रखेंगे तो ये हो गया 2 × π का मान हो गया 3.14 × r का मान हो गया 2 सेंटीमीटर, तो 2 × ब्रैकेट में आ गया एच का मान 10, तो लिख लेंगे 10, और साथ में कितना आ गया हमारा? आर का मान कितना हो गया? 2, तो 10 और 2 कितना हो गया? 12, 12 × 2 = 24, और 24 × 2 = 48, तो ये हो गया 48, 12 × 2 = 24, 24 × 2 = 48 × 3.14। इसके हम अलग से गुणा कर लें तो लिख लेते हैं 3.14 में 48 की गुणा करें, 8 × 6 = 32, 8 × 8 = 3 = 11, 8 × 3 = 24, और 1 = 25, 4 × 16, 4 × 4 = 5, और 4 × 3 = 12। ये हमारे क्या? 2 × 7 = 0, और 2 × 2 = 4 = 5, और साथ में क्या? 1, तो हमारा कितना आ गया? ये आ गया 15072। 2 स्थानों के बाद है तो हम क्या कर देंगे? 2 स्थानों के बाद दशमलव लिख देंगे, तो 150.72 हमारा आ गया। और हम जानते हैं जो ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है, क्षेत्रफल ही होता है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो हमारा मान आया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है लेकिन हमें मिलीमीटर में मान दिखाना है, तो हम लिखेंगे
क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के, तो यह मान इसमें रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा, इसलिए लिख लेंगे जो पृष्ठ निकल के आएगा वो बराबर हो गया 150.72, और सेंटीमीटर की जगह क्या लिख लेंगे 10 मिलीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये तो हो गया 150.72 गुणा 10 की 2 में गुणा करेंगे 10 दाम 100, और साथ में हो गया मिलीमीटर स्क्वायर। तो यह हमारा निकल के आएगा, पृष्ठ का मान निकल के आ गया, पृष्ठ बराबर होगा 150.72, 150.72 गुणा हमारा कितना है 100, 100 से इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो दशमलव हट जाएगा, तो 150 साथ में गया 7 2, और साथ में क्या गया मिलीमीटर स्क्वायर, तो खाली जगह पे कितना आ जाएगा 15072, ये हमारा ये निकल गया। तीसरा पार्ट है सी, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि हमें गाड़ी की चाल दे दी, सी हिस्से में गाड़ी की चाल यानी कि स्पीड दे दी, ये दे दी हमें 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा कि चाल से चल रहा है, तो यह 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगा, 1 सेकंड में डैश 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 मीटर का मतलब कितने मीटर चलेगी, तो इसका अर्थ है कि आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, क्योंकि 1 सेकंड में जो मान हमारा निकल के आएगा मीटर में, यदि इसको बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो जो मान निकल के आएगा वही 1 सेकंड में यह उतनी दूरी चलेगा मीटर में, तो करते हैं इसे, तो यह हमारा गया एस, चूंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, तो हमें तो इसको मीटर में ही बदलना है, इंग्लिश में तो इंग्लिश में ही लिख लेते हैं हम भी। और दूसरा एच, एच यानी कि आवर, 1 आवर बराबर हमारा होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, तो योग्य 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड, यह दो मान यदि हम यहां रख दें तो हम लिखेंगे एस बराबर 18, तो ये हो गया, साथ में था किलोमीटर बटे घंटा, तो ये हो गया 18 गुणा किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो लिख लेंगे 1000, साथ में क्या आ गया मीटर बटे, नीचे हमारा था घंटा, 1 घंटा बराबर 60 गुणा 60 सेकेंड, तो लिख लेंगे 60 गुणा 60, साथ में क्या आ गया सेकेंड, तो काटेंगे इससे ये कट गया, इस वाले से यह कट गया, तो 6 से काटेंगे 6 बार 6 3 18, 3 बार कट गया, 3 से इसे काटेंगे 3 2 2 बार कट गया, 2 से इसे काटेंगे तो ये 5 बार कट गया, तो कुल मिलाकर के क्या गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो यानी कि इसका अर्थ हुआ, ये हमारी स्पीड निकल गई, इसका अर्थ हुआ 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करेगा, तो हम लिखेंगे कि कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, 5 मीटर दूरी चलेगा। तो इस प्रकार से हम इसका सी पार्ट कर सकते हैं। अब अगला है हमारा डी, शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है, तो हम डी पार्ट करेंगे। इन्होंने दिया है शीशे का आपेक्षिक घनत्व, लिखते हैं शीशे का आपेक्षिक घनत्व बराबर दिया है 11.3, इसका घनत्व यानी कि शीशे का घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में हमें ज्ञात करना है। देखिए आपेक्षिक घनत्व जो होता है हमारा, आपेक्षिक घनत्व बराबर होगा जो शीशे का आपेक्षिक घनत्व हम कह रहे हैं, ये हो गया शीशे का घनत्व बटे जल का घनत्व, शीशे का घनत्व बटे जल का घनत्व, और ये किसका है हमारा, लिख लेते हैं शीशे का अपेक्षित घनत्व बराबर शीशे का घनत्व बटे जल का घनत्व। हमें क्या निकालना है, हमें तो शीशे का घनत्व निकालना है, तो लिखेंगे शीशे का घनत्व बराबर इस जल के घनत्व की इधर गुणा हो जाएगी, तो ये हो गया शीशे का आपेक्षिक घनत्व गुणा जल का घनत्व, यह हमारा सूत्र आ जाएगा। अब हमें पता है, चूंकि जल का घनत्व हमें पता है, जल का घनत्व बराबर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, यह जल का घनत्व होता है,
और शीशे का आपेक्षिक घनत्व तो मैं दे दिया 11.3, तो क्या आ जाएगा? इस समीकरण में मान रखेंगे शीशे का घनत्व तो बराबर लिखते हैं, शीशे का घनत्व बराबर, शीशे का आपेक्षिक घनत्व तो कितना दिया है 11.3, तो लिखते हैं 11.3 गुणा जल का घनत्व तो हमें दे दिया 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना निकल के आ गया? ये आ गया 11.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में तो इसका मान आ गया 11.3। अब हम देखें कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में इसका मान क्या आएगा, तो उसको निकालने के लिए पहले हम देखेंगे कि ग्राम को किलोग्राम में करें तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। आपको तो ग्राम का मान निकालना है ना, तो 1 ग्राम यहां रख लीजिए, 1000 इसके नीचे चले जाएगा, तो 1/1000 किलोग्राम। घात के रूप में लिखें तो ये हो गया, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। और अगला हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो हम लिखते हैं चूंकि 1 मीटर बराबर किसके होता है 100 सेंटीमीटर के, हमें तो सेंटीमीटर का मान निकालना है ना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 मीटर। अब यदि यह मान हम रखें इस वाले समीकरण में, तो लिखते हैं शीशे का घनत्व बराबर 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 11.3 गुणा, अब देखिए ग्राम है तो इस ग्राम की जगह आपने लिखना है, इसको थोड़ा और सही तरीके से लिखें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे लिखते हैं इसको। अब देखिए ग्राम है अंश में, तो 1 ग्राम बराबर है 1/1000 किलोग्राम, तो इसको ग्राम की जगह क्या लिख लेंगे 1/1000, और लास्ट में हमने क्या लिख लिया किलोग्राम, वो अंश में रहेगा, ये भी ध्यान रखना। इस किलोग्राम कहां है, ग्राम अंश में है, तो किलोग्राम भी अंश में ही रहेगा। अब नीचे क्या था, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है 1/100, तो जब 1 नीचे आएगा गुणा 1/100, तो 1 तो नीचे आ गया, इसका जो हर होगा वो कहां चल जाएगा अंश में, तो अंश में क्या आ जाएगा 1 तो यहां था गुणा 100, और ये क्यूब है तो इसका भी क्या आ जाएगा क्यूब घनी आ जाएगा। तो आगे इसे सॉल्व करेंगे तो यह गया 11.3 गुणा 100 की घात 3 का अर्थ हो गया 100 गुणा 100 गुणा 100 बटे कितना आ गया 1000, तो काटेंगे 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0, और देखिए यहां पर किलोग्राम था और इसके नीचे हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदला, तो यह आएगा मीटर क्यूब आ जाएगा, तो ये कट गया, तो कितनी घाते हैं, कितनी जीरो आ गई 1 2 3 3 0 आ गई, इसकी यहां गुणा करेंगे तो ये सीधा आ जाएगा 11, 7 में आ जाएगा और 2 जीरो और आ जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। तो यानी कि किलोग्राम मीटर क्यूब में इसका मान हमारा निकल के आ जाएगा 11300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.2। इसके अनुसार रिक्त स्थानों को मात्रकों के उचित परिवर्तन द्वारा भरिए। तो पहला है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बराबर कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। ए पार्ट है, ये हमें दिया 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, यह हमें बदलना है। अब देखिए सेकंड स्क्वायर का तो सेकंड स्क्वायर है, हमें किलोग्राम और मीटर स्क्वायर को ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, तो हम लिखते हैं चूंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, तो किलोग्राम की जगह तो ये लिख लेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ये दोनों मान यहां रखें तो ये हमारा आ जाएगा 1 किलोग्राम की जगह क्या आ गया 1000 ग्राम गुणा मीटर स्क्वायर का मान कितना आ गया, ये आ गया 100, ये क्या है सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर का भी कर देंगे, बटे सेकंड स्क्वायर को ऐसे का ऐसे रखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1 गुणा
ये तो हो गया 1000 गुणा 100 की दो बार गुणा होगी तो ये हो गया 100 गुणा 100, और साथ में आ गया ये पहले आगे, इस जी को हमने पीछे लिख लिया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सीधे आ गया 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये निकल गया कि यह जो होगा यह 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 मीटर बराबर, एल वाई का अर्थ होता है लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष, तो यह हमें ज्ञात करना है। तो यह है बी पार्ट। हम जानते हैं चूंकि 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है, तो यहां से 1 मीटर का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1/9.46 × 10 की घात कितना 15। ये क्या आ गया हमारा, एल वाई आ गया लाइट ईयर, और यह बराबर क्योंकि इस पूरे पथ को यहां लेंगे इसलिए यहां बच गया केवल 1 मीटर, और यही तो हमें निकालना है 1 मीटर बराबर कितने लाइट ईयर। तो चाहे आप सीधे लिख लीजिए कि 1 मीटर बराबर 1/9.46 × 10 की घात 15 लाइट ईयर, चाहे ऐसे लिख लीजिए, या आप लिख सकते हैं 9.46 का जब 1 में भाग देंगे तो यह आएगा 0.105 के लगभग बराबर आएगा, और 10 की घात 15 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -15, ये लाइट ईयर बराबर हो गया 1 मीटर। तो 10 की घात, इसको यदि 1 दशमलव इधर ले जाया जाए तो ये हो जाएगा 1.05 × 10 की घात - इधर ले गए तो घात 1 बढ़ जाएगी, 10 की घात 16 लाइट ईयर बराबर किसके हो जाएगा 1 मीटर के। तो यानी कि 1 मीटर का मान आ गया 1.05 × 10 की घात - 16 लाइट ईयर के बराबर होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या सी, सी पार्ट। ये कहते हैं 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में बदलना है। तो लिखा है 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर घंटे स्क्वायर में बदलना है, आवर स्क्वायर में बदलना है। तो हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, तो हमें तो मीटर का मान निकालना है। देखिए यहां पर जो दिया है आप उसी का मान निकालिए, तो इसको 1 यहां पर रख देंगे मीटर, ये पूरा इसके नीचे चले जाएगा, तो ये हो गया 1/1000 किलोमीटर, हमने 1 मीटर का मान निकाल लिया। अब हमें यहां दिया है सेकंड, और हमें आंसर किस में निकालना है, घंटे में, तो हम लिखेंगे 1 आवर बराबर हमारा होता है 60 मिनट के, और 60 मिनट बराबर होते हैं 60 × 60 सेकंड के, यानी कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 1 आवर बराबर हमारा हो गया 60 × 60 सेकंड के बराबर हो गया। तो हमें तो सेकंड का मान निकालना है ना, तो ये इसके नीचे चले जाएगा, यानी कि 1/60 × 60, और साथ में क्या आ जाएगा हमारा आवर, ये किसके बराबर आ गया 1 सेकंड। तो एक ये वाला मान और एक ये वाला मान, इन दोनों मानों को यदि हम यहां पर रखें तो हमारा क्या मान आएगा, ये हमारा आ जाएगा 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होगा 3 की जगह 3। अब देखिए मीटर है, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, तो गुणा लिख देंगे गुणा 1/1000, और साथ में ऊपर की ओर हम क्या लिख लेंगे किलोमीटर। अब नीचे हमारा क्या था, सेकंड स्क्वायर, तो हम कहते हैं इसको थोड़ा समझने के लिए हम क्या लिख रहे हैं, इसको मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, अर्थ तो वही हुआ, पर यहां हमें दिख रहा है ये हर में है, तो हर में 1 सेकेंड का अर्थ है 1/60 × 60, तो यानी कि ये हो जाएगा गुणा, नीचे क्या था एस स्क्वायर था, तो एस का अर्थ हो गया 1/60 × 60, और साथ में क्या आ जाएगा हमारा जो सेकेंड है वो किस में आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा, आवर में आ जाएगा, और इसका क्या था, ये सेकेंड स्क्वायर था, तो इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 3 60 × 60 ऊपर चले जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा गुणा 60 × 60 × 60 × 60, दो बार है तो गुणा करेंगे तो 4 बार गुणा हो जाएगी बटे 1000, और साथ में हमारा क्या आ गया किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, काटेंगे 1 2 3 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 × 6 छिंग 36, और 6 छिंग 36
गुणा 36, 360 हो गया, गुणा कितना गया 36। तो फिर गुणा करेंगे इसकी, तो इसकी अलग से गुणा कर लें तो ये हमारा आ जाएगा 360 की 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 108 में गुणा करेंगे 8 0, 8 6 48 का 8, 8 3 24 और 4 28, गुणा साथ में 0 आएगा तो छोड़ देंगे, 0 का 1 से करेंगे तो योग्य 0, 6 3, तो ये हमारा आ गया 0 8 8 8 3, तो ये आ गया हमारा कुल मिला के 3 8 8 8 0, इतना मान हमारा आ गया। और ये किस में हमारा आ गया, किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर, तो हम इसका मान लिख सकते हैं यहाँ पर, ये आ गया 3 8 8 8 0 किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी पार्ट है हमारा। डी पार्ट में ये है 6.67 गुणा 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर को सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर ग्राम में परिवर्तित करना है। तो उससे पहले आप इसे कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसे करते हैं। जो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन है, इनको हम चाहें तो घातों के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ये हमारा था, तो आप चाहते तो इसको ऐसा लिख सकते थे 1 2 3 4, तो 3.88, और ये तीसरे वाले 8 को जब पूर्णांकित करेंगे तो 8 9 हो जाएगा, साथ में हो जाएगा 10^4, और लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, चाहे घातों के रूप में लिखिए चाहे ऐसे संख्याओं के रूप में लिख लीजिए, उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो फिलहाल आप इसे उतारिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम अगला पार्ट करते हैं, अगला पार्ट है हमारा डी पार्ट। जी इज इक्वल टू 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर को हमें बदलना है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर ग्राम में। तो इसे सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं चूंकि जी की वैल्यू हमें दे दी, ये हमारा डी पार्ट है, 6.67 × 10^-11, साथ में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर में दे दिया, यह हमें दे दिया है। तो पहले इसको पूरा एमकेस पद्धति में बदलते हैं इसे। तो ये हमारा आ गया 6.67 × 10^-11 न्यूटन, न्यूटन आप जानते हैं बल का मात्रक होता है, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक फिर से किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साथ में हमारा आगे का मात्रक है मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। तो देखिए इस केजी से दो में से एक घात कट जाएगी, एक ही बच जाएगी नीचे, तो हमारा क्या आ जाएगा 6.67 × 10^-11। एम की एम में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा एम क्यूब, और बटे हमारा आ जाएगा किलोग्राम। अब या एस आ गया तो ऐसे ही लिख लेते हैं एस स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया किलोग्राम आ गया। तो देखिए अब यह जो विमा है मीटर की जगह सेंटीमीटर आ गया, सेकंड स्क्वायर की जगह सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम की जगह केवल क्या आ गया ग्राम आ गया। अब हम इसे बदल सकते हैं, सेकंड को तो ऐसे का ऐसा रखना है, मीटर और किलोग्राम को हमें परिवर्तित करना है। तो हम लिखते हैं चूंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर के, तो मीटर की जगह सेंटीमीटर रख देंगे, और 1 किलोग्राम बराबर होता है हमारा 1000 ग्राम के, ये दोनों मान यहाँ पर रखने हैं। तो क्या आ जाएगा, यह मान हमारा जी का आएगा 6.67 × 10^-11, और साथ में मीटर क्यूब लिखा है तो इसका मतलब हो गया गुणा 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और मीटर क्यूब है तो इसका भी क्यूब कर दीजिए। नीचे सेकंड स्क्वायर को तो ऐसा ऐसे लिखेंगे, किलोग्राम है, किलोग्राम की जगह क्या लिख देंगे 1000 ग्राम, तो लिख लेंगे 1000 ग्राम। तो क्या आ जाएगा 6.67 × 10^-11, और 100 की घात 3 है तो इसका मतलब हो गया 100 × 100 × 100 बटे हमारा नीचे क्या है 1000, और साथ में है सेकंड स्क्वायर ग्राम। तो देखिए कटेंगे 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारी आगे 1 2 3 10^3 आ गया, और यहाँ पर 10^11 पहले से है तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 6.67 × 10^-11 + 3, तो ये हो गया 6.67
छः सात गुणा 10^-8। और यहाँ हमारा इसका मात्रक क्या आ गया, यह हमारा चल रहा था ऊपर की ओर, हो गया था हमारा सेंटीमीटर क्यूब, तो लिखेंगे ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब बटे सेकेंड स्क्वायर इंटू ग्राम। तो इसी में हमारे को मान निकालना था, और ये हमारा मान आ गया 6.67 गुणा 10^-8, इतने के बराबर ये आ गया। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.3। इसके अनुसार ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है, जहां एक जूल का मान है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लीजिए हम मात्रकों की कोई एक ऐसी प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि कोई दूसरे प्रकार की प्रणाली हम यूज कर रहे हैं मात्रकों की, जिसमें द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलोग्राम के बराबर है, लंबाई का मात्रक बीटा किलोग्राम के बीटा मीटर के बराबर है, और समय का मात्रक गामा सेकंड के बराबर है। यह प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिमाण 4.2 α^-1, β^-2 और γ^2 है। तो इसे करेंगे हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया है, हमें दिया है जो कैलोरी का परिमाण दे रखा, हमें दे रखा 1 कैलोरी बराबर हमें दे दी 4.2 जूल, और जूल का मान हमारे को क्या दे दिया, हमें जूल का मान दे दिया 4.2, और साथ में दे दिया जूल बराबर हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, ये हमें दे दिया। अब हमें इसे क्या करना है, बदलना है। तो देखिए जब हम इसे बदलेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे विमा का। हमने इस चैप्टर में बताया था कि विमा का एक प्रयोग यह भी होता है कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदला जा सकता है, ये विमा का उपयोग है। तो हम यहां पर किस प्रकार से करेंगे, हमने कहा यह पहली पद्धति के मात्रक हैं, तो सूत्र हमारा होता था, आपको ध्यान हो तो सूत्र होता था N1U1 बराबर होता था N2U2। मान लेते हैं यह पहली पद्धति के मात्रक हैं, तो लिखते हैं पहली पद्धति में N1 का मान हमारे को कितना दे दिया 4.2, और U का मान कितना दे दिया, U का मान हमारे को दे दिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। तो हम U के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी विमा ज्ञात करेंगे। तो देखिए विमा बड़ी आसान है निकालनी, किलोग्राम है, किलोग्राम को हम M से प्रदर्शित करते हैं विमा में, तो ये हो गया M। ये है मीटर स्क्वायर, मीटर यानी कि लंबाई है, लंबाई के लिए हम L इस्तेमाल करते हैं, तो मीटर स्क्वायर है तो ये L स्क्वायर आ जाएगा। और ये हमारा है सेकंड, सेकंड यानी कि हमारा हो गया टाइम, क्योंकि ये हर में है तो अंश में जाएगा, तो T^2 क्या हो जाएगा -2। हमने आपको एक बात बताई थी, हमने कहा विमा का एक लाभ ये होता है कि जब हम एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति की मात्रा को में बदलें या किसी भी पद्धति की मात्रा को में बदलें, तो देखिए मान तो बदल जाते हैं। जैसे हम कहते हैं मीटर में देखें तो लंबाई यदि एक जगह हम मीटर में लें और दूसरी जगह सेंटीमीटर में लें, तो दोनों की तुलना करें तो एक जगह लंबाई 1 मीटर और दूसरी जगह 100 सेंटीमीटर के बराबर होगी। लेकिन यदि दोनों तरफ विमाएं निकालेंगे तो इसकी विमा भी, मीटर वाले की विमा भी L आएगी और सेंटीमीटर वाले की विमा भी L ही आएगी। तो हम उसी का उपयोग करेंगे, हम यहां विमा का उपयोग कर रहे हैं। तो पहली पद्धति के मात्रकों की विमाएं क्या आ गई, ये आ गई, और इनको हम लिख रहे हैं, मान लेते हैं M1 L1 T1 से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरी पद्धति की बात करें, दूसरी पद्धति के लिए N2 का मान तो हमें ज्ञात करना है, मात्रक हमें U क्या मान दे दिया, क्योंकि दूसरी पद्धति के मात्रकों का हमें पता नहीं है। इन्होंने यह दिया है कि द्रव्यमान को अल्फा किलोग्राम में, लंबाई को बीटा किलोग्राम में, बीटा मीटर में, और समय को गामा एस के बराबर दिया है, तो वो हम करेंगे तो लिख सकते हैं इसका विमा तो इसकी ऐसी होगी, इसकी विमा भी क्या होगी M2 L2 स्क्वायर T^2 - 2। विमा तो दोनों की सेम आएगी। अब यहां लिख सकते हैं हम M2 बराबर जो हमारा है, M2 किसकी विमा आ रही है, अल्फा किलोग्राम की विमा, M2 अल्फा किलोग्राम के बराबर है। दूसरा L2 किसके बराबर है, बीटा मीटर के बराबर है, यह है बीटा मीटर के बराबर है। और तीसरा हमारे को क्या दे दिया, समय T2, और T2 का मान किसके बराबर है, गामा एस के बराबर है। तो अब हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे।
हमें तो एन टू का मान ज्ञात करना है ना, तो हम लिखेंगे एन टू बराबर एन वन इन टू यू वन, और यू टू कहाँ चल जाएगा, इसके नीचे चले जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे एन टू बराबर एन वन का मान कितना है 4.2, तो लिख लेंगे 4.2। यू वन का मान देखिए एम वन एल वन स्क्वायर टी की घात -2, तो ऐसे लिखते हैं इसको एम वन एल वन स्क्वायर टी की घात -2 बटे। यू टू का मान क्या है, एम टू एल टू स्क्वायर टी टू की घात -2, तो लिखेंगे एम टू एल टू स्क्वायर और टी की घात टी टू की घात -2। तो इसका अर्थ ये हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.2 एम वन बटे एम टू, यहां लिख सकते हैं एल वन बटे एल टू का होल स्क्वायर, और यहां लिख सकते हैं टी वन बटे टी टू, सबकी घात क्या हो जाएगी -2, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो पूरे का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, गणित का नियम है। अब देखिए हम मान रखेंगे 4.2, एम वन किस में था, पहली पद्धति की मात्रकों में एम वन था किलोग्राम में, और एम टू क्या था, एम टू बराबर था अल्फा किलोग्राम, तो यहां पे लिख लेंगे अल्फा और साथ में किलोग्राम। एल वन पहली पद्धति की मात्रकों में एल वन का मान था मीटर, और एल टू पद्धति की मात्रकों में दूसरी पद्धति की मात्रकों में एल टू का मान था बीटा मीटर, लिख लेंगे बीटा इंटू मीटर, और इसका क्या था स्क्वायर। और तीसरा हम लिखेंगे टी वन का मान तो हमारा क्या था सेकेंड, और टी टू में हम लिखते हैं गामा सेकेंड, तो लिख लेंगे गामा सेकेंड, और इसका मान क्या था -2। तो इसे हल करते हैं, एन टू बराबर हमारा आ जाएगा एन टू बराबर, ये आगे तो है 4.2 4.2। अब देखिए किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, मीटर से मीटर कट गया, और सेकंड से सेकंड कट गया, तो ये अल्फा ऊपर की ओर जाएगा, तो अल्फा की घात क्या हो जाएगा -1, तो अल्फा की घात -1। ये है बीटा, और बीटा जब ऊपर जाएगा तो बीटा की घात हो जाएगी -1, और स्क्वायर करेंगे तो बीटा की घात -2 हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही लिख लें जिससे आप कंफ्यूज ना हो, तो इसको लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर, क्योंकि ऊपर तो कुछ नहीं है, 1/बीटा यानी कि बीटा स्क्वायर, और वैसे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/γ^-2 1/γ^-2। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे एन टू बराबर 4.2, ये है अल्फा की घात -1, बीटा ऊपर जाएगा तो बीटा की घात -2, और गामा ऊपर जाएगा तो गामा की घात +2 हो जाएगी। और यही हमारे को क्या करना था, प्रूफ करना था कि कैलोरी का जो परिमाण होगा वो 4.2 अल्फा की घात -1 बीटा की घात -2 और गामा की घात +2 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.5। इसके अनुसार लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है, यानी कि लंबाई का मात्रक हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल तो 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, तो लंबाई का मात्रक जो मीटर होता है, यहां मीटर की जगह कुछ और ले रहे हैं, इनके कहने का अर्थ यह है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हो जाती है, 1, तो हम लिखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, जैसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, और सी का मान कितना आ गया 1, और लंबाई का नया मात्रक जैसे हम लिखते हैं मीटर, और बटे क्या आ जाएगा सेकंड, सेकंड तो आएगा ही क्योंकि ये तो लंबाई का नया मात्रक आया ना, समय का नया मात्रक तो उन्होंने दिया नहीं है, तो इतना आ गया। लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी निकालनी है, तो हम लिखते हैं माना सूर्य से पृथ्वी की दूरी, और इस दूरी को मान लेते हैं हम x, मान लेते हैं x है, दूरी कितनी है, प्रकाश इस दूरी को तय करने में इतना समय लगाता है, तो समय कितना लगा रहा है, हमारे पास समय दे दिया 8 मिनट 20 सेकंड, तो 8 मिनट 20 सेकंड को जब
सेकंड में परिवर्तित करेंगे तो यह आ जाएगा 8 × 60 + 20, तो 8 × 48 यानी कि 480 + 20 यानी कि हमारा क्या निकल गया 500 सेकेंड। तो हम कहते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी हमें ज्ञात करनी, समय हमें पता है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लग रहा है, 500 सेकंड लग रहे हैं, और हमें दूरी ज्ञात करनी है नए मात्रकों के पदों में, जबकि हमें चाल पता है। तो हम सूत्र जानते हैं, चूंकि चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो हमें दूरी निकालनी है, तो लिखेंगे दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। चाल किसकी चाल है, प्रकाश की चाल है, तो सी है, गुणा समय कितना दे दिया हमारे को, समय हमें दे दिया 500 सेकंड, 500 सेकंड। और आप देखिए जो प्रकाश की जो चाल दी है सी, वो एक दी है हमारे को, तो लिख लेंगे 1 × 500, तो ये हमारे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 500 × 500 यानी कि हो गया 500। ये हमें दूरी निकल गई और साथ में लंबाई, क्योंकि इसका अगर एमकेएस पद्धति होती तो मीटर में आता ना, लेकिन यहां लंबाई का नया मात्रक आ गया ना, तो इसको इस क्या लिख रहे हैं, 500 लंबाई का नया मात्रक। तो यानी कि लंबाई का जो इन्होंने नया मात्रक बताया उसके पदों में सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो 500 लंबाई के नए मात्रक के पदों में होगी, इतनी होगी। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।